क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अब लिंक्डइन की पिच पर नई शुरुआत की है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इस बल्लेबाज ने हाल ही में विश्व की सर्वश्रेष्ठ कमर्शियल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन ज्वाइन कर ली है। सचिन ने नई पीढ़ी को काफी सहारा दिया है और साथ ही वो युवकों को भी काफी बढ़ावा दे रहे हैं। लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बनने के बाद सचिन अब उस ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा, राजनेता शशि थरूर और बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, एरिना हेफिंगटन, जैक वेल्च जैसे दिग्गज बिजनेसमैन शामिल हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, एक टीम का हिस्सा होकर कुछ नया सीखना वाकई में शानदार अनुभव होता है। मैंने वर्तमान में बहुत सारी परिस्थितियों को देखा है जो क्रिकेट मैदान से बिल्कुल अलग है। मैं अपने इन अनुभवों को व्यावसायिक साइट लिंक्डइन के जरिए उन सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी के भविष्य में कुछ करना चाहते हैं या जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद लिंक्डइन इंडिया के कंट्री मैनेजर अक्षय कोठारी ने कहा, हमें खुशी है कि सचिन तेंदुलकर अब एक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर है। लिंक्डइन को दिए इंटरव्यू में सचिन ने कहा कि बेखौफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है और नाकामयाबियों की चिंता ना कीजिए। कई बार नाकामयाबियां आपको नया कुछ करने से रोकती हैं और इसका पता आपको तब चलता है जब आप कुछ नया करते हैं, इसलिए अपने सपनों को सच कीजिए। कामयाबी पाने की तैयारियों पर सचिन कहते हैं, जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए दिमागी तौर पर तैयार रहिए। खेल में वापस आने के बारे में उन्होंने कहा, मुझे याद है जब मेरी टेनिस एल्बो की सर्जरी हुई थी, 3.5 महीने के बाद मैं प्रैक्टिस पर गया था और मुझे कहा गया कि पूरी तरह ठीक होने में 4.5 महीने का वक्त और लगेगा। मुझे लगा कि मेरा करियर खत्म हो गया। उस वक्त आपको आपके आसपास कई मजबूत लोगों की टीम दिखाई देती है जिनमें डॉक्टर्स, ट्रेनर्स, आपके फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्त शामिल होते हैं। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर इस वक्त IPL टीम मुंबई इंडियंस के मेंटर हैं।